चलिए एक और बड़ी खबर आपको लिए चलते हैं कश्मीर और नौगाम से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बड़ी खबर जो है नौगाम में देखने को मिली है। नौगाम में भाजपा नेता अनवर खान पर आतंकी हमला हुआ है। अनवर खान के घर पर आतंकियों ने यह हमला किया और हमले में भाजपा नेता के आवास पर तैनात पीएसओ शहीद हो गया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर नौगाम से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से आतंकी हमला देखने को मिला है और नौगाम में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनवर खान पर यह आतंकियों की तरफ से हमला किया गया। अनवर खान के घर पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाने की कोशिश की है और हमले में भाजपा नेता के आवास पर तैनात जो पीएसओ हैं वो शहीद हो गए हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है कि आखिर कौन ये यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसाई जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर नौगाम से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली है। लेकिन इससे पहले आप देखिए किस तरह से ये पूरी कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई नौगाम के अंदर, जहां पर आतंकियों ने हमला किया है इनके घर पर और घर पर पीएसओ जो है वो शहीद हो गया है। और जाहिर तौर पर ये समझिए कि आतंकियों की एक तरफ नकेलों पर नकेले जो है वो कसी जा रही है, जहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ी बौखलाहट आतंकियों के बीच में है। इसी का सबूत जो है वो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आतंकी अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नौगाम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अनवर खान के घर में आतंकियों ने हमला कर दिया है और हमला करने पर यहां पीएसओ जो है वो शहीद हो गया है और अनवर खान के घर पर ही ये हमला किया गया है। अनवर खान पर आतंकी हमला जो है वो इस वक्त तक देखा गया है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर जो है नौगाम से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले धमकियों भरे जो पत्र थे वो भेजे जा रहे थे, लेकिन बार बार आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर नौगाम निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता को टारगेट करने की कोशिश की गई है, उन पर हमला करने की कोशिश की गई है और हमला आतंकियों की तरफ से किया गया है। घर के अंदर यहां हमला करने की कोशिश की गई और पीएसओ यहां पर घायल नहीं शहीद हो गया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। पूरा सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से ये आतंकी यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद बड़ी घटना जो है वो बीत जाती है। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, सबसे पहले आप देखिए कि एक एक करके आतंकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब नौगाम से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, जहां पर अनवर खान पर एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई। अपडेट क्या है? तो यह दूसरा हमला होगा। इससे पहले घर को किया गया खबर यह है कि अनवर खान और घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन तो है जिनमें मुर्दा हालत में लाया गया था और इससे इलाज और मुआवजा मुमकिन नहीं था। इत्तला के मुताबिक आज तकरीबन दोपहर के वक्त आरीबाग नौगाम आउटस्कर्ट श्रीनगर का एरिया है, जहां पर बीजेपी के सीनियर लीडर और कुपवाड़ा जिला के इंचार्ज या प्रभारी मोहम्मद अनवर खान, जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी थे, बीजेपी के बड़े स्थापित लीडरों में से शुमार किए जाते हैं, और उसके बाद उन पे आज अटैक किया गया। हालांकि वो घर पे नहीं थे। इस मौके पर पुलिस एहलकार ने वापस बंदूक बरदारों पे गोलियां चलाई, रिटालिएट किया, लेकिन एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था। और अब से कुछ देर पहले खबर आई कि रमेश राजा जो है कॉन्स्टेबल, जिनका ताल्लुक दूर अनंतनाग से है, जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस जमन में आशा आपको याद होगा ये जो लोकल एरिया है बागी मैदान आरीबाग और उसके बाद नौगांव और कनीपोरा की तरफ जो रास्ते जाते हैं वो सील कर दिए गए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सीनियर अफगान की आतंकी तंजीम से ये लोग ताल्लुक रखते थे। तजम्मुल, कुछ जानकारी? अभी इतना ही, हमले में किसी भी मिलिटेंट तंजीम ने कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जो जो वक्त आगे बढ़ेगा, भाजपा कारकुनों पर, लीडरान पर इस तरह का हमला
किस तंजीम ने किया। तजुम्मे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगातार आतंकवादियों की तरफ से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या लगता है आतंकियों के अंदर एक बौखलाहट है जो इस तरीके से निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप मुख्तलिफ तंजीमों की बात करें, जब बीजेपी कश्मीर घाटी में ज्यादा एक्सपोज नहीं था, ज्यादा पार्टियां बनी नहीं थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब इकतदार चला गया, पीडीपी ने कमान संभाली, पीडीपी के लोग मारे गए, उसके बाद गई कांग्रेस और अब बीजेपी। चूंकि हमने देखा कि सॉफ्ट टारगेट जो रहता है बंदूक बरदारों का, वो हिज्ब इख्तलाफ नहीं बल्कि हिज्ब इकतदार के ही लोग ज्यादा होते हैं। और शायद एक वजह है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शायद बंदूक बरदारों को लग रहा होगा कि वो हिज्ब इकतदार में एक तरीके है। लेकिन दूसरा मामला ये है कि जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरान पे हमला हुआ, ये किसी पार्टी पे नहीं, ये किसी भी इंडिविजुअल पे नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वही लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की। यानी कि राजनीतिक गतिविधियों के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना जनाधार कश्मीर के अंदर बनाती हुई नजर आ रही है, जम्मू के अंदर बनाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बौखलाहट आतंकियों के अंदर है, जिसकी वजह से ये बौखलाहट सामने देखने को मिल रही है और पीठ पर वार करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आतंकियों की तरफ से ये कायराना हरकत करने की कोशिश की गई है, जहां पर एक पीएसओ शहीद हो गए हैं और साथ ही साथ यहां पर अनवर खान के घर के अंदर ये हमला करने की कोशिश की गई। फिलहाल किसी भी आतंकी तंजीम की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली गई है, लेकिन यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि आतंकियों में अगर इस तरह से बौखलाहट देखने को मिल रही है तो जाहिर तौर पर इस पर नकेले जो है वो हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से भी कसी जा रही है।